नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए आज की दो बड़ी अपडेट है प्यारे बच्चों। पहला अपडेट है, जैक सचिव ने आपके रिजल्ट डेट की घोषणा कर दी है कि परीक्षा खत्म होने के बाद किस तारीख को आपके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। और दूसरा बड़ी अपडेट क्या है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज को। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, दो टर्म में मैट्रिक इंटर की परीक्षा होगी। पहले ओमार सीट पर फिर मिलेगी उत्तर पुस्तिका। इसका मतलब ये हुआ, पहले आपके टर्म वन की परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव की परीक्षा होगी, उसके 1.5 घंटे के बाद वो आपको टर्म टू की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी और टर्म टू की सब्जेक्टिव की परीक्षा होगी बच्चों। यह जानकारी किसने दिया है, कल एक न्यू टाउन हॉल में मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में जैक सचिव ने यह जानकारी दिया हुआ प्यारे बच्चों। देखिए इसमें और आगे लिखा गया है, परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य होगा। यानी कि कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, वो सारे प्रोटोकॉल को आपको पालन करना होगा। मास्क लगा करके जाना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, और जो आपकी डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, 6 फीट की दूरी, उसको भी आपको वहां पे मेंटेन करना होगा। इसमें आगे लिखा गया है प्यारे बच्चों, झारखंड अधिविद परिषद द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर की इस वर्ष की 2022 की परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। सभी विषयों में इंटरनल असाइनमेंट होगा और जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होती है उसमें इंटरनल असाइनमेंट का परीक्षा आपका नहीं होगा। ये जानकारी मैंने आपको पहले दे दिए थे प्यारे बच्चों कि इंटर और मैट्रिक के सभी विषयों में आपका 20 नंबर का आपका कॉलेज से परीक्षा होगा। इंटरनल असाइनमेंट के जरिए आपको 20 नंबर दिया जाएगा, तो 20 में से यहाँ से 18 नंबर आसानी से सभी बच्चों को दे दिया जाता है। तो ये सारे बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी उस समय। और इसमें देखिए आगे लिखा गया है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल परीक्षा होती है इंटर में, उसमें क्या होता है, आपको इंटरनल असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। ऐसा ऐसा होता है तो आपका क्या हो जाएगा, 30 नंबर का इंटरनल असाइनमेंट और 20 नंबर का आपका, 20 नंबर का इंटरनल असाइनमेंट और 30 नंबर का प्रैक्टिकल परीक्षा, तो 50 नंबर का आपका कॉलेज से मिल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षा होगी उसमें इंटरनल असाइनमेंट नहीं होगा। तो यहां पे देखिए, इंटरनल असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के अंक परिषद के पोर्टल पर तय अवधि में अपलोड कर देना होगा, ये आपकी कॉलेज की काम है। और इसमें आगे देखिए, टर्म वन की परीक्षा ओमार सीट के माध्यम से होगी, वहीं टर्म टू की परीक्षा उत्तर पुस्तिका में दी जाएगी। टर्म वन की परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थी अपने जगह पर ही बैठे रहेंगे और उन्हें तुरंत ही उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है प्यारे बच्चों, क्या कीजिएगा, टर्म वन की परीक्षा जब खत्म होती है तो वहां से उठ के आप लोग को चल नहीं देना है, आपको जस्ट 5 मिनट के बाद आपको वहां पे टर्म टू की उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी। ऐसा नहीं करना है कि टर्म टू की वो वन की परीक्षा हो गई आपकी और वहां से उठ के घर चल दिए, नहीं तो आपको डूब जाइएगा, समझ रहे, फेल कर जाइएगा। वहां से उठना नहीं है, 5 मिनट के बाद आपको टर्म टू की उत्तर पुस्तिका दे जाएगी और आपको फिर से 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, और वही 1.5 घंटे में आपको टर्म टू की जो सब्जेक्टिव परीक्षा होती है उसके उत्तर को वहां पे आपको लिखना है। यह जानकारी कल आपका धनबाद में एक मीटिंग हुआ था, उसी में जैक सचिव ने यह जानकारी दिया है। देखिए, परीक्षा शुरू होने के बाद पता चलेगा कि उत्तर के लिए 3 घंटे पर्याप्त है या नहीं, ऐसा कहा है जैक सचिव ने। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए कि परीक्षा, मतलब बेवकूफ जैसा बात कर रहे हैं जैक सचिव, परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी, उसके बाद वो जानकारी देंगे कि टाइम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, बच्चों के लिए ये पर्याप्त समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये पहले देख लेते तो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे होता, ये बाद में देख के वो क्या करेंगे, होगी कि नहीं होगी वो बच्चे समझेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों का लिखना आपका छूट चुका है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे परीक्षा को लेकर के क्या सचिव ने जानकारी दी, महत्वपूर्ण निर्देश, परीक्षा को लेकर के दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश, JCERT द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। यह टेस्ट पेपर कम किए गए सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए हैं, इससे विद्यार्थियों के प्रश्न पारों की जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि मॉडल पेपर से आप लोग तैयारी कीजिए, उसी के अनुसार आपका प्रश्न रहने वाला है इस बार की बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना, और उसी के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए बच्चों। देखिए, परीक्षा में समय वीक्षक के पास भी मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गजट अध्ययन सामग्री नहीं रहना चाहिए। मतलब आप लोगों को तो मोबाइल, घड़ी, ये सब कुछ नहीं ले जाना है, ये लेकिन वहां पे जो टीचर रहेंगे उसके पास भी मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। परीक्षा केंद्रों में आपका क्या रहेगा, सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील होने चाहिए, यानी कि सारा सीसीटीवी कैमरा आपकी चालू होना चाहिए और वहीं से आपका जैक के ऊपर नजर रखेंगे। इसकी सूचना संबंधित DO को भी जरूर दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पालन करने
कराना है, सारा कुछ आपको पालन करना है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे देख सकते हैं परिषद ने हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करेंगे, ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई कठिनाई होती है परीक्षा संचालन करने में। देखिए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के में स्टेप मार्किंग होगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर में अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं, 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट वाइज लिखते हैं और 3 पॉइंट सही है और 2 पॉइंट वहां पे आप लोगों ने गलत लिखा है, तो 3 नंबर आपको वहां पे मिल जाएगा बच्चों। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, निबंध के जैसा नहीं लिखना है, स्टेप मार्किंग आपका होगा, इस वजह से आप लोग क्या कीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट वहां पे लिखना है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन 5 मई से शुरू होगा और 30 जून तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, 30 जून तक आपके रिजल्ट को घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 मई से आपका कॉपी जांचना शुरू होगा और 30 जून तक आपके रिजल्ट को घोषणा कर दी जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए जरूरी 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 हो तो कैलकुलेटर और मैग्नीफाइंग ग्लास भी दे सकेंगे। तो ये वहां दिव्यांग बच्चों के लिए, आप सभी के लिए कैलकुलेटर नहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए कैलकुलेटर मिलेगा। दिव्यांग खुद भी अपना राइटर ला सकते हैं, केंद्र भी दे सकता है, शर्त है कि राइटर उससे जूनियर हो, मतलब क्लास 10 की परीक्षा दे रहे हैं तो क्लास 9 के बच्चे वहां पे आपके एग्जाम लिखने वाले रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 जून तक आपकी रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, ऐसा जैक सचिव ने कल कहा है। अब देखिए दूसरा अपडेट क्या है बच्चों, दूसरी बड़ी अपडेट सीबीएसई के बच्चों के लिए है। देख सकते हैं सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से कराई जाएगी, इसको लेकर के डेट शीट को जारी कर दिया गया है। तो सीबीएसई वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे और जो आपके दोस्त हैं तो सभी को बता दीजिएगा, सभी को वैसे पता चल ही गया होगा। तो सीबीएसई की 26 अप्रैल से परीक्षा शुरू हो रही है और आपकी मई तक ये परीक्षा चलने वाली है, 24 मई को परीक्षा खत्म हो जाएगी, 15 जून तक 12वीं तक की परीक्षा भी चलने वाला है, ठीक है ना। तो ये सीबीएसई के बच्चों के लिए थी, तो यहाँ पे सीबीएसई भी अपनी तैयारी कमर कस ली है। तो सभी जैक बोर्ड के बच्चों से अनुरोध है आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और डेली शाम 7 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा, तो चैनल पे अवश्य जुड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।